ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आए दिन डिजिटल फ्रॉड के कारण ठगबाजों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई करने वालों को आरबीआई ने जागरूक करना शुरू कर दिया है। इन दिनों आरबीआई ने देश भर में वित्तीय जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस सप्ताह के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचने की जानकारी जरूर दी जाएगी। आए दिन डिजिटल फ्रॉड के कारण ठगबाजों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई करने वालों को आरबीआई ने जागरूक करना शुरू कर दिया है। इन दिनों आरबीआई देश भर में वित्तीय जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस सप्ताह के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचने की जानकारी जरूर दी जा रही है। इसी कड़ी में आईटीआई मंडी में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिमला से आए भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक अवनेश्वर सिंह ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर आईटीआई मंडी के प्रशिक्षुओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। अवनेश्वर सिंह ने बताया कि इस बार वित्तीय साक्षरता सप्ताह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग थीम पर मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में जो वित्तीय योजनाएं चलाई हैं उनकी संपूर्ण जानकारी लोगों को दी जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पर अधिक फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जो हमारे लोग हैं उनके लिए विभिन्न जानकारियां प्रदान करना है। इसी के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों के अंदर आईटीआई, आरसीटी, केवाईके, एडीयू सब में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज आईटीआई मंडी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो यहाँ प्रशिक्षु हैं जो विभिन्न 16 ग्रेड के अंदर जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीम्स के ऊपर जानकारी देना है। मुद्रा स्कीम हुई, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हुई, साथ ही उनको डिजिटल बैंकिंग के साथ जुड़ने के फायदे, डिजिटल बैंकिंग में अपने आप को कैसे बचाव करना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साथ ही ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म और विभिन्न प्रकार के जो आयाम उससे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। जो जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं किस तरीके से उन फ्रॉडों से बचा जा सकता है, हमें किस तरीके की सेफ्टी अपने लेवल पर अपनानी है, भले ही हम डिजिटल माध्यम के साथ अगर कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, उसके ऊपर इन बच्चों को जानकारी यहाँ पे दी जाएगी।